What is up YouTube? I hope you guys are doing great, and guys, welcome back after so long on this channel. So guys, finally I'm back with another video, and I think shayad 3 se 3.5 months ho chuke hain abhi tak maine apne channel ke upar koi bhi content upload nahi kiya tha. Shayad mujhe yaad hai maine jo last time apna content upload kiya tha, it was like 20 or 21st of October, and uske baad se abhi tak koi bhi content upload nahi hua hai. Kafi sare log hai mere paas yahan pe, messages the, calls the, and YouTube पे comments थे. You guys have been keep on asking me कि अमित video क्यों नहीं आ रही है, क्या problem आ गई है, and finally channel quit तो नहीं कर दिया मैंने. So guys, ऐसा कुछ भी नहीं था. There was a hard time in 3 साढ़े 3 महीनों में, काफ़ी hard time चल रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें हुई है जिस वजह से मैं कोई भी content अपने channel पे upload नहीं कर पा रहा था. So इस video में हम यही बात करने वाले हैं. इस video में कोई fish के बारे में ज़्यादा बातें नहीं होगी. So जिन लोगों को fishes के बारे में जानना है या उस video का जो wait कर रहे हैं, those guys can skip this video. So guys, बात करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, but before getting into this video, let's roll a quick intro. So guys, 21st of October को मैंने last video release की थी जो canister filter के first part के बारे में थी. मैंने second part उसका shoot कर लिया था. I was just about to edit it and there was some bad thing that happened to me. और एक यूट्यूबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका गैजेट, उसका कैमरा और उसके एक्सेसरीज. सो वन ऑफ द गैजेट जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल था, जिससे मैं अपनी सारी वीडियोज़ को एडिट करता था, जो था मेरा लैपटॉप, एंड दैट फाइनली क्रैश्ड. सो इट वॉज माई HP लैपटॉप जो कि फाइनली क्रैश हो गया 26 या 27 अक्टूबर को, जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था उसी दौरान. और फोर्थ जनरेशन का काफ़ी पुराना लैपटॉप था, i5 प्रोसेसर के साथ में. जैसे तैसे मैं उसे एडिट कर लेता था, बट finally it gave up after 4.5 years. So I was really disappointed with that. So मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं शायद इसे रिपेयर करा के इसे वापस यूज़ कर सकता हूँ. मैं उसे रिपेयर कराने के लिए लेके गया, बट दे फाइनली गेव अप ऑन दिस. उन्होंने बोला कि इसे रिपेयर करा के कोई मतलब नहीं, इसकी मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ गई है. सो काफ़ी लंबा खर्चा था लैपटॉप को लेकर, लगभग 12 से 15 हज़ार का, एंड उसमें स्पेंड करना इतना ज़्यादा मतलब मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक नया लैपटॉप परचेस कर लूँ. देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम न्यू डील्स ऑन द लैपटॉप, बट एट दैट टाइम मेरे पास इतना सेविंग नहीं था कि मैं कोई 50-60-70 हज़ार का एक लैपटॉप परचेस कर लूँ. एंड देन मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं आई मूवी पर अपनी वीडियो जो है वो एडिट कर लेता हूँ, बिकॉज मैं आई मूवी पर काफ़ी सारी वीडियोज़ अपनी पहले एडिट कर चुका था, और मैंने सोचा कि मैं आई मूवी पर कर सकता हूँ. बट जो उस वीडियो की फाइल थी वो थी 32 GB के आसपास की, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया था, और मेरे फ़ोन की स्टोरेज भी यहाँ तक कि 32 GB ही थी. तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे अपने आईफोन पर करने में आ रही थी. एंड क्या बोल सकता हूँ गाइज, एक और बहुत बुरी चीज़ हुई लगभग इन द मंथ ऑफ नवंबर, आई बिलीव 1st और 2nd वीक की बात है, और मेरा आईफोन जो था वो भी क्रैश हो गया. फाइनली 6S जो मैं यूज़ कर रहा था पिछले 2.5 साल से, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ पता नहीं, एकदम से रेड स्क्रीन हुई और आईफोन पूरा बर्बाद. सो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जाके इसे सही करा लेता हूँ एक बार. एंड यू गाइज ऑलरेडी नो कि कितनी बढ़िया सर्विस है हमारे एप्पल की. आप उनके पास जाते हैं तो आपको कुछ नहीं, सीधा 20-25 हज़ार का खर्चा बताते हैं, एंड यू गाइज लाइक कि बस हो गया, वन टाइम परचेस था. सो मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं 20-25 हज़ार रुपये देकर 6S को सही करवाऊँ, वो भी जो कि जस्टिफाइड नहीं था. शायद 23 या 24 हज़ार में अब शायद नया मिल रहा है, तो कोई जस्टिफिकेशन मुझे नहीं लगा. अभी ये बूट भी नहीं हो पा रहा है. सो ये सारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी गाइज जो कि मैंने फेस करी. एंड देन फाइनली आई थॉट कि जो मेरी सेविंग है मैं उससे काम करता हूँ, नया लैपटॉप परचेस करता हूँ. सो 40-45 थाउजेंड का मेरा आसपास उस वक्त बजट था. एंड देन आई थॉट कि यार 40-45 हज़ार में यदि मैं कोई लैपटॉप लेता भी तो वो शायद वही प्रॉब्लम होगी कि मैं 1 साल 1.5 साल उसे यूज़ कर लूँगा. जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर फिल्मोरा वगैरह हो गया मैं उससे काम कर सकता था. बट आई वॉज थिंकिंग गाइज कि मैं अडोबी प्रीमियर प्रो पे क्यों ना अब स्टार्ट करूँ. मुझे थोड़ा बहुत एडिटिंग उसके बारे में पता है, बट आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क ऑन अडोबी प्रीमियर प्रो. एंड फिल्मोरा के भी अपग्रेडेड वर्जन आ चुके थे जिसमें मुझे वर्क करना था. सो गाइज ये सारी प्रॉब्लम जो थी मैंने इन काफ़ी 3-3.5 महीनों में फेस करी है. सो आई एम सॉरी वंस अगैन कि मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट आई होप दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम थी, मैं क्यों अपलोड नहीं कर पाया. बट कहते हैं कि कुछ बुरे के बाद कुछ अच्छा भी होने वाला होता है. सो फाइनली मैंने एक नया लैपटॉप परचेज किया इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, और मैंने अभी कुछ शायद 7 या 8 दिन पहले ही परचेज किया है. सो फाइनली मैंने आसूस का आरोजी स्ट्रिक्स जी परचेज का, काफ़ी ज़्यादा मैंने खोज करी कि भाई कौन सा लैपटॉप लेना है, और मुझे आसूस का आरोजी जो था काफ़ी ज़्यादा पसंद भी था पहले से. मेरा काफ़ी शुरू से मन था कि मैं एक आरोजी लैपटॉप क्यों ना परचेज करूँ. सो फाइनली मैंने 88,500 का एक आसूस आरोजी स्ट्रिक्स जी i7 9th gen प्रोसेसर परचेज किया. और या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एडिट दिस वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस. एंड गाइज इट इज़ रियली ट्रू कि एक डार्क नाइट के बाद देर इज़ अ होप ऑफ अ ब्राइट सन. सो फाइनली इट्स टाइम कि अब मैं वो सारी वीडियोस जो कि दोबारा मैं आपके पास तक पहुंचा पाऊंगा, जिसके लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है. सो फाइनली आज जैसे मैंने एक वीडियो रिलीज़ कर दी है, सो
By the Saturday or Sunday मैं एक नया वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जो फाइनली हल्क के ऊपर होगा एंड ही इज अमेजिंग गाइज. यू गाइज विल बी शॉक कि वो कितना ज़्यादा ग्रो कर चुका है एंड हाउ ही इज बिन. एंड फाइनली गाइज यही था इस वीडियो के बारे में. जिन लोगों को वीडियो पसंद आती है गिव इट अ बिग थम्स अप. और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर गाइज कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज आने वाली वीडियोज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग वीडियोज आने वाली है. और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक दैट बेल आइकन बिकॉज this is something that's going to really help you to get you notified ki main agli videos jo ki wo kab dalne wala hu. So guys, my name is Amit Thakur. You have been watching Fish and Fins. Signing out.